लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी नए राजनीतिक समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी, ताकि पार्टी को जीत दर्ज करने के लिए अधिक मेहनत न करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई। भले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक नहीं रहा, लेकिन सांसदों ने अपने दम पर क्षेत्र में माहौल बना दिया। इसका परिणाम पार्टी को प्रदेश के चुनावों में बेहतर स्थिति के रूप में मिला। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसको देखते हुए कई विधायकों और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा भी अब तेज हो गई है। इसमें यूपी के दोनों डिप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम तेजी से उछल रहा है। विधानसभा चुनाव में अब प्रदेश सरकार में मंत्री भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने की इच्छा भी कई जताते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कई मंत्रियों की चर्चा भी हो रही है। इसमें डिप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है। साल 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा सदस्य चुने गए थे। यूपी चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी का विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्यूटी CM बनाया गया। सराथू से हार के बाद भी 2022 में दूसरी बार बनी योगी सरकार में केशव मंत्री बनाए गए, लेकिन लड़ाकू स्वभाव के केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर से अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यूपी सरकार के दूसरे डिप्यूटी CM ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्यूटी CM बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपने कार्यों से लगातार चर्चा में हैं। उनकी छवि भी बढ़ी है। ऐसे में पार्टी उनकी ताकत बढ़ाने की परीक्षा चुनावी मैदान में करना चाहेगी। इनके अलावा यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह का नाम भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों में लिया जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। कांग्रेस से भाजपा में आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जतिन प्रसाद को भी भाजपा चुनावी मैदान में उतार सकती है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार काम करने वाले योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी पार्टी अपना दांव लगा सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में नंदी यहां से किस्मत आजमाते दिख सकते हैं। योगी सरकार के मंत्रियों की यह अपनी महत्वाकांक्षा और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को इसका कारण माना जा रहा है। योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य को भी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। दलित वोट बैंक के बीच उनके जरिए पकड़ बढ़ाने की कोशिश होगी। इसके अलावा धर्मपाल सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। पार्टी प्रशासनिक पुलिस सेवा से राजनीति में आने वाले असीम अरुण और राजेश्वर सिंह पर भी दांव खेल सकती है। इनके अलावा संजय गंगवार, अनूप वाल्मीकि, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा के भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की इच्छा की बात कही जा रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।